का जन्म में वही भेज देता है जहां पर लोग ताली बजाया करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त म्यूजिक होनी चाहिए और एक बार जबरदस्त आपकी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। लाल होना चाहिए। एक मिनट के लिए, एक मिनट सर। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच में, मैं देख रहा हूं ताली नहीं बजा रहे हैं, पड़ोस को देख रहे हैं, पड़ोसिन को देख रहे हैं। इन हाथों के लकीरों पे कभी विश्वास मत करना मेरे दोस्त। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं हुआ करते। और किसी व्यक्ति ने कहा है, अगर कर्म आपके अच्छे होंगे तो काम आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन कर्म अगर आपके महान होंगे तो आरसे बिजनेस आपको मिलेगा। और जिनके पास खुद के हाथ है ना, खुद के पड़ोसी के नहीं, वो सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर दोनों हाथ करेंगे और सब लोग एक उंगली से ताली बजाएंगे, दो से ताली बजाएंगे, तीन से बजाएंगे, चार से बजाएंगे, पांच से, जबरदस्त ताली। वाओ, ये हमारे मेहमान हैं। क्या है सर? ये मेहमान हैं। तो आश्रम के जितने भी लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा उन लोगों से इन मेहमानों का एक बार जबरदस्त सम्मानजनक जोरदार ताली जबरदस्त होनी चाहिए। क्यों मैंने बताया? क्योंकि आज से 6 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार ऐसी मुझे मीटिंग में बैठने का मौका मिला और वो दिन मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में, आरसीएम के सेमिनार में गया था, लोग यहाँ पर बोल रहे थे, लोगों ने बताया कि मेरा जीवन बदल गया, लोगों ने कहा मेरी सोच बदल गई, लोगों ने कहा मेरा ये हो गया, लोगों ने कहा इतना पैसा आ गया। लेकिन ये ठान लिया था कि विमल गुप्ता जिस दिन आएगा उस दिन मंच पर नहीं पूरी दुनिया हिलेगी और वो टारगेट बना के आज काम करता हूँ। दोस्तों, आपका भी टारगेट होना चाहिए कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। तैयार हैं? एक किताब की लाइन में लिखा था कि गरीब लोग अपने जीवन में ताली नहीं बजाते हैं, इसलिए उनकी किस्मत के ताले कभी खुलते नहीं है। लेकिन अमीर लोग अपने जीवन में इतनी ताली बजाते हैं कि उनके ताले खुल जाते हैं। आपको गरीब रहना है, आपको गरीब रहना है, अपने बच्चों को भी गरीबी का सर्टिफिकेट अगर देकर जाना है तो आरसीएम में कभी जिंदगी में ताली मत बजाना। लेकिन वास्तव में आपको अमीर बनना है, आपकी सोच को बदलना है, अपने पीढ़ियों को बदलना है तो ताली इतने बजाओ कि आपके हाथ लाल हो जाए। इतनी जबरदस्त जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद सर। ऐसे ही एक सीतापुर में आरसीएम का सेमिनार हो रहा था, एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर एक नए व्यक्ति को प्रोग्राम में लेकर जाता है। पूरा प्रोग्राम सुनने के बाद वो कहता है नया व्यक्ति कि सर मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है, सर मुझे आरसीएम करना है, सर मुझे रॉयल्टी जाना है। लेकिन जो आदमी मुझे लेकर आया था मैं इसके साथ कभी जुड़ना पसंद नहीं करूंगा। उसने ऐसी क्या बात है बोला, सर पूरा प्रोग्राम हो रहा था, सब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन जो हमको लेकर आया था सर वो ताली नहीं बजा रहा था, तो जो ताली नहीं बजा सकता वो रॉयल्टी का मुझे खाक ले जाएगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि वास्तव आप सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या तैयार हैं?
कुछ लोग तैयार हैं, बाकी लोग कह रहे अपनी पत्नी से पूछ के बताएंगे। कुछ पत्नियां कहते मैंने तो बिना हस्बैंड से पूछे मैं सेमिनार में आ गई, और अगर मैंने कह दिया कि मैं तैयार हूं तो वो हमारी हवा निकाल देंगे। लेकिन मेरा मानना अगर आप यहां मीटिंग हॉल में आ चुके हैं तो 70 किलो का शरीर भी रखना और 70 ग्राम का दिमाग भी रखना। तैयार हैं? तैयार हैं? दिमाग शरीर सब यहीं पर है। कितने लोगों का है एक बार हाथ खड़ा करें। आधे ज्यादातर झूठी बोल रहे हैं। सब लोग दिमाग यहीं पर है। दिमाग भी यहीं पर, शरीर भी यहीं पर है। आपके पास फोन होगा, ये फोन जो मैं 24 घंटे डिस्टर्ब करता है, इसको आप लोग साइलेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को सुनने के लिए आए हैं ना, जिस शख्सियत को सुनने के लिए आए हैं, वो आम इंसान हुआ करते थे, लेकिन आज आरसीएम ने उनको महान बना दिया है। क्या बना दिया है? क्या बना दिया है? महान कभी पैदा नहीं होते हैं, वो कर्म ऐसे कर देते हैं कि आम से महान बन जाते हैं। आज आप सब लोग, हम लोग आम इंसान जरूर हैं, लेकिन अगर आरसीएम सिस्टम को, सर की बातों को अगर दिल में अमल के लिया, विमल गुप्ता गारंटी लेता है कि आज का जीवन, आज का दिन आपके जीवन का महान दिन हो सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो कितने लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? सभी लोग। कुछ लोग हाथ नहीं कर रहा कर रहे, उनका क्या किया जाए, क्योंकि बेचारे 150 रुपए दे भी चुके हैं। धन्यवाद। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टिकट 150 रुपए का खुद खरीदा, खुद का अपलाइन और पड़ोसी जो लेकर उसको नहीं, सबने खरीदा है 150 का। धन्यवाद सर। ये थोड़ा दर्द हुआ होगा जब गेट पे एंट्री किया होगा ना, उसने रोका, रुको अरे भैया बुलाए विमल गुप्ता, नहीं 150 का चालान कटेगा पहले, है कि नहीं? तो आपको गुस्सा है कि वापस चला जाऊं, लेकिन याद है कि चले घर से आ ही गया हूं तो 150 रुपए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक आप ही के तरीके से विमल गुप्ता ने आज से 6 साल पहले 150 रुपए का चालान कटाया था। इस चालान काटने की वजह से, इस टिकट की वजह से आज विमल गुप्ता के घर में आरसीएम की वजह से 58 लाख रुपए मेरे घर में आया है, टू आरसीएम बिजनेस की वजह से। मेरे भाई, अगर 150 रुपए का टिकट लेने से 1.5 लाख रुपए महीने कमाने का मौका मिले, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? क्या शाहरुख खान दूसरा शाहरुख खान बना सकता है? क्या धोनी दूसरा धोनी बना सकता है? क्या अमिताभ बच्चन दूसरा अमिताभ बच्चन बना सकता है? नहीं। लेकिन आज हमारे बीच में जो शख्सियत आए हैं, मिस्टर सब्बीर अहमद खान साहब, वो सब्बीर अहमद खान साहब अपने जैसे हजारों लोगों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे शख्सियत के लिए जोरदार जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर। तो सर को बुला लिया जाए। तैयार है? फोन साइलेंट हो चुका है? अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है? सपने पूरे करने तैयार है? गरीबी को हटाने के लिए तैयार है? कुछ लोग तो दुनिया की दुखी आत्मा बैठी है सर, साफ हमारी आंखें वहीं जा रही, पता नहीं क्या बात है। अरे यार 150 रुपए लगा के आ ही चुके हो तो थोड़ा यस बोलने में क्या जाता है? एक बार यस बोल दो, हो सकता जीवन बदल जाए। यस नो, यस नो, यस नो। तो जितने भी रॉयल्टी चीवर हमारे बीच में है, सभी रॉयल्टी चीवर एक बार मंच पे आ जाएंगे, और मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा, सब्बीर अहमद खान, जो ग्राम विकास विभाग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या मैंने कहा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन से विभाग में? ग्राम विकास। सरकारी पोस्ट थी सर के पास। इतने पागल हो गए आरसीएम के चक्कर में नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ा तो घर वाले ने कहा गया काम से, सारे लोगों ने विरोध किया। सरकारी नौकरी, वो भी ग्राम विकास विभाग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम सरकार देती है। लेकिन शख्स को, इस शख्सियत को पता था कि आरसीएम का भविष्य कितना बड़ा है, आरसीएम का विजन कितना बड़ा है, और इस सरकारी नौकरी को छोड़कर आज आरसीएम बिजनेस में कंपनी के सबसे टॉप अचीवर बने हैं। ऐसी शख्सियत जो मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, एक बार ऐसे गुरु के लिए जोरदार जबरदस्त खतरनाक ताली चाहूंगा सर।
उस स्थल को बुला लिया जाए, तैयार हैं? तो आपकी जबरदस्त तालियों से सभी लोग अपने मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं। सब लोग फूल माला से अपने हाथ में लेकर रेडी हो चुके हैं, उधर से सब लोग खड़े हो जाएंगे, जबरदस्त म्यूजिक बजेगा, फुल डांस अल्लाह हू